साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार ने कल जो कमेटी बनाई है वो एक आंखों में धूल झोंकने वाली कमेटी है। पहली बात तो ये कि वो एमएसपी कमेटी नहीं है, उसके साथ चार पांच मुद्दे उसके साथ और रख दिए हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, जिनकी हमने मांग नहीं की है। वो सरकार की अपनी पॉलिसियां होती हैं। हमने तो एमएसपी कमेटी की मांग की थी, एक मुद्दे की मांग की थी। इन्होंने उसमें डाइवर्सिफिकेशन का जोड़ दिया, इन्होंने उसमें जो है जीरो बेल्ट खेती का जोड़ दिया, इन्होंने उसमें और पता नहीं क्या क्या उसमें जोड़ दिए हैं। तो उन मुद्दों से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो सरकार की पॉलिसी है, अगर सरकार लागू करना चाहती है, सरकार डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है तो सरकार जिस चीज का ज्यादा भाव देगी हम वो चीज बीज लेंगे। हमें तो एमएसपी चाहिए, न्यूनतम मूल्य चाहिए। उसके लिए इन्होंने जो है वो एक मुद्दा रखा है और वो भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। और इसके पीछे जो बदनीयती है वो बदनीयती ये है कि इसमें पांच मेंबर वो ले लिए गए जो पहले से डब्ल्यूटीओ का समर्थन कर रहे थे। ये सारे जो हैं वो सरद जोशी ग्रुप के हैं। सरद जोशी महाराष्ट्र का नेता था और वो उस वक्त जो है हमें जो उस वक्त उसका पता चला था वो ये पता चला था कि वो अमेरिका का एजेंट है। और सिद्ध भी वो इसलिए हुआ कि जब डब्ल्यूटीओ लागू होने की बात आई वाजपेयी के टाइम में, जो पिछली बीजेपी सरकार थी, तो उस सरद जोशी ने पूरे देश में घूम के किसान सेमिनार किए थे और चंडीगढ़ में भी उसने किसान सेमिनार किया था। और इन सेमिनारों में हमारी उससे झड़प हुई थी कि ये किसान के नुकसान में है। वो ये समझा रहे थे कि किसानों के फायदे में है। तो तब हमें वो जो पहले जो पता चला था वो यकीन में बदल गया कि हाँ, ये अमेरिका के एजेंट है, अमेरिका का पक्ष कर रहा है। और आपको ध्यान होगा कि बीजेपी सरकार ने उस वक्त उसको एक किसान टास्क फोर्स संस्था बना के सेंटर में उसका चेयरमैन बनाया था। केंद्र के कृषि, केंद्र के जो है कैबिनेट मंत्री की पावर उसको दी गई थी। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार से मिला हुआ था। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि बीजेपी सरकार भी कहीं ना कहीं अमेरिका की दलाल है। तो दूसरी बात, इसमें जो सरकार की तरफ से मेंबर लिए गए हैं या यूनिवर्सिटियों के मेंबर लिए गए हैं, तो चार सरकारों के मेंबर लिए गए हैं जिसमें उन स्टेटों का कोई नुमाइंदा नहीं है जिन स्टेटों में आंदोलन हुआ। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इनका कोई नुमाइंदा नहीं है और इनकी किसी यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा नहीं है। तो साथियों, ये एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कमेटी बनाई गई है और हम इस कमेटी का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। हमारा कोई नुमाइंदा इस कमेटी में बात के लिए नहीं जाएगा। ये कमेटी जो है बिल्कुल एक शरारत के तौर पर की गई है और हम इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं।